Welcome to 2016 Mains Question Answer Discussion. Today we'll be taking up the questions on economy. The first question is, how globalization has led to reduction of employment in the formal sector of Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country? So I see two perspectives here, sir. The effect of globalization on the formal versus informal sector within the labor market. And secondly, is that kind of informalization detrimental? So I think it's a kind of confirmatory question. So how would you like to answer the first part? So in the first part, we're basically trying to answer that how has globalization led to a fall in the number of formal jobs in the nation? Yeah. So when globalization started, actually इससे होता क्या है कि आपका पूरा process है पूरा that breaks up, वो छोटे-छोटे parts में break हो जाता है, because एक global supply chain network बन जाता है, तो वो छोटे-छोटे parts करने के लिए you need flexibility, तो flexibility तभी आएगी जब number of workers कम होंगे, जब आपके ऊपर बहुत सारे rules नहीं होंगे, regulations नहीं होंगे, so the employers also prefer कि वो informal job में रहें, informal sector को promote करें, okay, वो then they get flexibility, okay, so एक angle इसका ये बनता है. Secondly, इसका एंगल ये बनता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल के अंदर बहुत ज्यादा कोई बूस्ट नहीं आया. इट वाज द सर्विस सेक्टर व्हिच डोमिनेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ओके, तो सर्विस सेक्टर ने जो डोमिनेट किया, जिसने ग्रोथ तो दी, लेकिन जॉब्स क्रिएशन नहीं रही वहां. फॉर एग्जांपल, एक ही इंसान बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है बिकॉज ऑफ हिज स्किल. और इंडिया में हमें चाहिए था कि जो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग तरफ जाए तो स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो हम कर नहीं पाए. बिल्कुल, सो दैट वाज अ पैराडॉक्स काइंड ऑफ. वैसे भी ज्यादा अनस्किल्ड लेबर ही है हमारे पास, 97% एज पर मेनी एस्टिमेट्स. एग्जैक्टली, तो अनस्किल्ड लेबर को कहां पर जॉब मिलेगी? अगेन फॉर्मल तो मिलेगी नहीं, अगेन वो उसने आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी को बूस्ट दिया. तो सर ये ऐसे ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया में पैराडॉक्स काइंड ऑफ प्रेजेंट किया कि इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ज्यादा मिला है. ओके, जब यूएस में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था शुरू में, तो उस टाइम पे वहां पे भी कुछ इसी तरह का ग्रोथ पैटर्न देखने को नजर आया था. मैंने रघुराम राजन की कुछ वीडियोस देखी, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां पे भी जो हाई स्कूल एजुकेटेड सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए पहले जॉब ज्यादा आई, उसके बाद जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जॉब ज्यादा आई, बट अभी वहां पे भी वो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर उधर भी चल रहा है. तो ये हर जगह ही देखने को मिलता है मेरे ख्याल से. जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो आपके जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है इतने ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो आउटसोर्सिंग की वजह से वो हर एक प्रोड्यूसर, जैसे आपने कहा कि छोटे से छोटा साइज रखने की कोशिश करता है, लेस देन 10, सो उससे उसको बहुत सारे लेबर लॉ से भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, रेगुलेशन से रिलैक्सेशन मिल जाती है. ओके, किसमें रहते हैं? ओके, सो दूसरा पार्ट जो है, इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रिमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री? इसका सर आंसर पॉजिटिव रहेगा, यस इट इज डेट्रीमेंटल. ओके, बिकॉज इनफॉर्मल लेबर फोर्स के पास एक फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, उन्हें ये नहीं मिलता कि आपने इतना काम किया उसके बाद आपको लीव मिलेगी, मैटरनिटी बेनिफिट्स होगी, इंश्योरेंस स्कीम्स होगी, सोशल सेक्टर स्कीम्स होगी, उनपे बहुत कम लागू होती हैं. तो बेसिकली दे आर हायर एंड फायर, कि आपने हायर किया फायर करे, कॉन्ट्रैक्चुअल है नहीं है, कोई आपकी रेगुलेशंस नहीं है फिक्स्ड. ट्रू, तो अगर एक्चुअली डेवलपमेंट वाले इंडिकेटर्स में देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट्स से, तो वो हमेशा नीचे रहेंगे, वो बहुत लैग करेंगे. ओके ओके, और तो इसका एक पॉजिटिव कॉनोटेशन अगर देखा जाए वो ये जरूर है कि इनफॉर्मल जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब ज्यादा है, बट दैट नंबर ऑफ जॉब डज नॉट गिव यू अ गुड, कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिली है, गुड जॉब नहीं है, पर नंबर ऑफ जॉब ज्यादा जरूर है. एटलीस्ट हमारी जो मास पॉपुलेशन, उसको जॉब्स तो मिलेंगे लेकिन उसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं है. पर ये कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ जॉब ज्यादा है तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है. ठीक है, थैंक यू सर. आई थिंक दैट शुड कंक्लूड इट.